गीता के पेज नंबर 123 में पहुंच चुका हूं, 1, 2, 3 में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने इंद्रियों को बस में रखना जरूरी है अर्जुन, और वो इंद्रियां सांप के भांति हैं। 5 सांप हैं, 5 इंद्रियां। इस 5 सांपों को कछुए के भांति अपने बस में रखना जरूरी है। तो अगले श्लोक में अर्जुन क्या पूछते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक का अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो कर्मयोग के बारे में क्या पूछते हैं भगवान अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन वाच, अर्जुन बोल रहे हैं, ज्यायसी चेत कर्मनश्यते मता बुद्धि जनार्दना तंकी कर्मणि घोरा मा नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अगर आप बुद्धि को सबसे अच्छा मान रहे हैं, अगर आप बुद्धि से ही सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें आप इस घोर पाप वाले युद्ध में हमें क्यों धकेल रहे हैं, क्यों हमसे ये पाप करवा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भाव अनामृत, कभी कभी कृष्ण भाव अनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। ऐसी प्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावना अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास करता हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण के सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत की कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताएंगे कि आपको हम क्या करना चाह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, हम आपको कर्म के बारे में ही बोल रहे थे उतना देर से। अब अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, व्यामी श्रेवना वाक्यना बुद्धि ही मोह वश्यवा में तदेकम बदम निश्चिति येना श्रेयो हयान्युमया मा। यानी भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आपके व्यायाम मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों में से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं अभी भी कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्याक बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह निष्काम कर्म योग और नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु इसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी, अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि कृष्ण वक्ता चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो भगवान अर्जुन जो है उसे भगवान से कृष्ण से क्लियर होना चाहते हैं कि हमें करना क्या है,
क्या आपकी जो आप इतना जो ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान से तो हमें ये ऐसा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ के तपस्या करने लगें और जंगल में जाके वास करने लगें। लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म करना है। और कर्म जो है कैसे करना है वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री भगवान वाच में क्या बोल रहे हैं, लोक सिद्धि बिन्निदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगनम योगी नामा। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। आत्म साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। कुछ ज्ञान योग से उसको समझने की कोशिश करता है और कोई भक्ति योग से समझने की कोशिश करते हैं। द्वितीय अध्याय में 29वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। एक होता है सांख्य योग, एक कर्म योग या बुद्धि योग होता है। इस श्लोक में इनकी और अधिक विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति के वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। कृष्णा भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा द्वितीय अध्याय में 61वें श्लोक में बताया गया है, 29वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णता पर ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्यांश्रित किया गया है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्माधनता और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्णा भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्णा भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में कृष्णा भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होगा। कृष्णा भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य होती है। तो भक्ति की प्रत्येक जो विधि होती है वो सरल होती है और कृष्ण की भक्ति में जो लगा रहता है उसमें डूब के जो कर्म करता है वही कर्म महान कहलाता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।